हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं जेई मेंस का प्रैक्टिस टेस्ट। ये प्रैक्टिस टेस्ट वन है। इसके टॉपिक्स हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस एन पी ब्लॉक्स, 11 12 दोनों का मिक्स है। सॉल्यूशन 12th क्लास का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स भी 12th क्लास का चैप्टर है। इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को आप डाउनलोड करके सॉल्व करें, बाद में डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है कि किस वे में इसका आंसर है। यहाँ पे कॉलम बना है, कॉलम में 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे कॉलम 2 है, इसमें मैच करना है। तो इसमें मैच में अकॉर्डिंग टू 1 कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है उसको बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग, ये टॉपिक है फर्स्ट वाला। ये सॉलिड स्टेट का है। कैटायन और एनायन जब मिसिंग है तो इसका मतलब है इक्वल, ये वाला पार्ट होगा शॉर्ट की डिफेक्ट। हमने कैसे याद किया था, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट मारेंगे, शॉर्ट मारने से क्या होगा, कैटायन एनायन दोनों चले जाएंगे। अगर क्रिकेट में आप शॉर्ट मारेंगे तो क्या होगा, दोनों ही आयंस मिस हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे बाउंड्री पार। तो नोट कर लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है। इक्वल नंबर यानी चार्ज मेंटेन रहना चाहिए, कैटायन जाएगा तो उतना ही चार्ज एनायन को जाना पड़ेगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, दोनों अगर मिस हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, मास कम हुआ तो डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी कम होगी, चार्ज बैलेंस रहेगा क्योंकि इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव जा रहा है, तो चार्ज मतलब न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलाइज्ड या न्यूट्रल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का शॉर्ट की डिफेक्ट और डेंसिटी डिक्रीज होगा, तो बोल सकते हैं इसका क्यू एंड आर। सेकेंड ले रहे हैं, मेटल एक्सेस है नॉन स्टोशियोमेट्रिक इन NaCl। मेटल एक्सेस का मतलब है रिलेटिवली मेटल ज़्यादा हो जाएगा, यानी NaCl का क्रिस्टल है, जितने Na हैं उतने ही Cl होंगे क्योंकि इस पर +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है। स्टार्टिंग में दोनों इक्वल है पर बाद में मेटल एक्सेस हो जाने का मतलब है कि मेटल वाला पार्ट रिलेटिवली एनायन से ज़्यादा है, तो ये कौन सा डिफेक्ट है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग एबसेंटर। एबसेंटर में क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले यहाँ पे हमने लिया Na प्लस के आयन्स है, Cl माइनस के आयन्स, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे सारे आयन्स अटैच है। फिर जब इसको हम हीट करेंगे, एटमॉस्फेयर से हीट लेके, ये हीट हो सकता है, ये एक्सटर्नली हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, सोडियम के प्रेजेंस में, यानी ये क्रिस्टल है और यहाँ पे सोडियम है, तो क्या होगा, जो सोडियम है वो क्या बनेगा, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझें, ये क्रिस्टल है, यहाँ पे सोडियम का सरफेस है, सोडियम के प्रेजेंस में अगर हीट हो रहा है तो सोडियम तो पहले आयनाइज हो जाता है, Na प्लस और e माइनस इलेक्ट्रॉन है, फिर लैटिस के अंदर से एक Cl माइनस बाहर आएगा। क्या हुआ है, लैटिस के अंदर से एक Cl बाहर आया, तो Na प्लस और Cl माइनस बन के तो एक कंपाउंड बन गया। लैटिस के अंदर से नेगेटिव आया, Cl माइनस कैसा था, नेगेटिव, अगर नेगेटिव बाहर आया है तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये क्लोरीन अंदर आ जाएगा, किसकी जगह पे, ये क्लोरीन आ गया अंदर, चार्ज हो गया बैलेंस, एक Cl बाहर गया उसको मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे कंपाउंड में मूव कर सकता है, जिसकी वजह से क्या आएगा, कलर आएगा, कलर। NaCl के अंदर जो डिफेक्ट होता है वो डिफेक्ट के कारण कलर होगा येलो, इस डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग एबसेंटर। एबसेंटर किस में होता है, आयनिक कंपाउंड में होगा। आयनिक कंपाउंड कब होगा, जब अंदर से एक एनायन बाहर चला जाएगा उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। अब काउंट करें, Na तो एज इट इज़ उतने ही हैं, Cl माइनस कम हो गया, कैसे कम हो गया, क्योंकि एक Cl माइनस बाहर चला गया। Cl माइनस अगर कम हो गया तो इसका मतलब रिलेटिवली मेटल का कंपोनेंट ज़्यादा हुआ, रिलेटिवली अगर देखा जाए Na और Cl में कंपेयर करें तो Na ज़्यादा है, तो इसलिए इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल एक्सेस नॉन स्टोशियोमेट्रिक, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक अब मेंटेन नहीं है, Cl माइनस एक चला गया, दोनों जाते तो मेंटेन होता, एक गया है, तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, ये NaCl के अंदर है एबसेंटर डिफेक्ट। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, एस। तो अगर मैच करें क्यू आर और एस, आंसर डायरेक्टली दिख रहा है हमें कि बी होगा, आंसर इज बी। लेकिन हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। यहाँ पे है ऑक्यूपेंसी ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल,
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो। ये किसके अंदर होता है? ये होता है स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर। अभी देख लेते हैं स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले एनायन वैकेंसी विथ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एनायन वैकेंसी मतलब एनायन चला जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अभी ये देखा सेम किस में है, ये एब्सेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन का एक ही करेक्ट होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इसमें एनायन Cl- बाहर गया, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? S। फोर्थ का S एंड सेकेंड का भी S। यहाँ तक क्लियर। अब हमें स्पाइनल वाला स्ट्रक्चर देखना है। ये हमें याद ही करना होगा स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पाइनल स्ट्रक्चर एक टाइप का स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर दो मेटल होंगे, कोई भी मेटल हो सकते हैं। मैंने ए मान लिया, दूसरे मेटल को बी मान लिया। यूजुअली ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है एनायन के केस में, और मेटल के केस में यूजुअली मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होते हैं। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या हो गया? Ab2O4। तो जो ऑक्सीजन है ये रहेगा CCP में, यानी FCC लैटिस बनाएगा, और AnB जो मेटल हैं वो बनाएंगे हमारे ये सॉरी मेटल ऑक्यूपाई करेंगे वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में भी सारे के सारे ऑक्यूपाइड होंगे। दोबारा देख लेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। बोलिए ऑक्सीजन एनायन है, ऑक्सीजन की जगह फ्लोराइड एनायन भी हो सकता है। ये एनायन बनाएंगे CCP FCC लैटिस में। जब ये अरेंज होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉइड जनरेट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, उस वॉइड के अंदर रहेंगे मेटल। मेटल मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी, और भी कोई मेटल हो सकते हैं, पर यूजुअली अगर नॉर्मल बोला जाए तो इसका आंसर क्या होगा? स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं Mg Al2O4। इस स्ट्रक्चर को स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन पूरा। तो वो क्वेश्चन पूरा था सॉलिड स्टेट से। सारे डिफेक्ट्स पता होने चाहिए। डिफेक्ट्स के बाद जो कॉमन लैटिस होते हैं NaCl, CaCl, स्पाइनल स्ट्रक्चर ZnS, वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टू ये है चैप्टर पी ब्लॉक 11th क्लास। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बोला है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, इनॉग्नी के क्वेश्चंस होते हैं, अगर पहले से याद होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किस कंपाउंड के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, यानी जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें वो वैकेंट होने चाहिए। तो 1 by 1 लेते हैं। इसमें फर्स्ट लिया हमने B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो इसका सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आपको जिस भी टॉपिक का चाहिए वहाँ से याद कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। यह है B2H6 का। बोरोन के पास होते 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। यहाँ भी 1, 2, 3 ले लिया। बोरोन एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोबारा से, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 3 ग्रीन वाले और एक खाली, 1, 2, 3 इस साइड और एक खाली, तो यानी एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड कैसा बनेगा? इस टाइप से। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और 3 के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो इसको कहते हैं 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें यूज़ हो रहा है वैकेंट ऑर्बिटल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में मैटर नहीं करता कि वैकेंट ऑर्बिटल है या कौन सा ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल्स यूज़ में लेते हैं। तो कितने बॉन्ड हैं? 1, 2, यहाँ पे 3, ये 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ बोरोन का sp3, दोनों बोरोन का sp3। तो यानी फर्स्ट वाला पार्ट तो होगा ही। अब लेते हैं Al2Cl6। बोरोन की फैमिली में ही एल्युमिनियम, तो सिमिलरली उसी टाइप का ही बॉन्ड होगा Al2Cl6। इसका सेपरेट पूरा डिस्कशन के साथ प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एल्युमिनियम के होंगे 3 valence electron, 3 valence electron लिखा, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3। क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, उसके साथ साथ उसके पास बनेंगे 3 lone pair बचते हैं, क्योंकि उसके पास होते टोटल 7 valence electron। क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया Al2Cl6। फिर उसके बाद इस क्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो ये बॉन्ड एफिशिएंट नहीं होगा, लोन पेयर और इसका वैकेंट ऑर्बिटल।
इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा, ये वाला लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अगेन वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में, तो ये ऑप्शन भी इसमें चूज करेंगे, Al2Cl6। थर्ड है C2H5Cl। C2H5Cl का स्ट्रक्चर हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। दो कार्बन है, पांच हाइड्रोजन और एक Cl, काउंट करें 1, 2, 3, 4, यानी एक और हाइड्रोजन बन गया। इस केस में ये नॉर्मल बॉन्ड है इथेन का, वहाँ पे क्लोरो लग गया, क्लोरो इथेन। इसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल यूज़ नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड है। BeCl2, जो भी बोरोन फैमिली, बेरिलियम फैमिली एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और बोरोन एक ही फैमिली के हैं। ये सारे बॉन्ड अगर सॉलिड स्टेट में कनेक्टेड होंगे तो इनके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते, तो ये लोग क्या करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल से ही बनाएंगे। BeCl2 का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो कैसे होगा, सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये कनेक्टेड होंगे बहुत सारे चेन से, बहुत सारे BeCl2 कनेक्ट होंगे। बेरिलियम के पास तो दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर दो ही बॉन्ड बनाए तो कनेक्टेड नहीं हो सकता, तो यानी इसको अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये वैकेंट ऑर्बिटल दो भरे हुए ऑर्बिटल, दो वैकेंट ऑर्बिटल। BeCl2 सॉलिड है तो ऐसे चेन टाइप में रहेगा, टोटल बनाएंगे चार बॉन्ड, दो एम्प्टी ऑर्बिटल है, दो फुल ऑर्बिटल है। चार बॉन्ड की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो आंसर क्या आया इसका, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड, विच आर द फॉलोइंग कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज इन शेप, शेप भी चेंज हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, एक नहीं बोथ लिखा हुआ है, तो दोनों का ही चेंज के करस्पॉन्डिंग आंसर देंगे। BF3, BF4, इन सब का पहले रिएक्टेंट का हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट का। तो BF3 में बोरोन है, बोरोन के पास होते हैं तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। NH3 नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड बनेगा, एक लोन पेयर। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इन सब के स्ट्रक्चर डॉट डॉट बनाने की जरूरत नहीं, वो याद ही होने चाहिए। CH3 तीन हाइड्रोजन है और एक इसके पास फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के केस में जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो कब उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे नहीं करेंगे, इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अटैच एटम जो बॉन्डेड वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जस्ट एग्जांपल अगर फ्लोरीन से बॉन्ड है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस केस में इसको काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने बॉन्ड हुए, 1, 2, 3, और इसको काउंट करेंगे 3 और 4, sp3 हुआ। बट इन दिस केस हाइड्रोजन इज़ नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ओनली 1, 2, 3 sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन नाम से, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर, एक कार्बन है जिसके कितने बॉन्ड होंगे, 4। मीथेन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। H2O, sp3, NH3, H2O, इन सब का नाम, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब याद होने चाहिए। H2O, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 104.5, sp3 हो गया। रिएक्टेंट साइड में सबका लिख लिया है। उसके बाद BF3 को कन्वर्ट कर दिया है BF4 माइनस में, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद बोरोन के हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 उसे खुद के थे, एक आ गया, तो नेगेटिव साइन। अब चारों पे लग गए हैं फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। पहले sp2 था तो ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे हो गया है ये टेट्राहेड्रल। प्लेनर से बना टेट्राहेड्रल, इसका शेप हुआ है चेंज, तो ये वाले ये वाला आंसर होगा। अब लेते हैं सेकंड, NH3। NH3 में लोन पेयर है, वो बना है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप होगा इसका पिरामिडल। NH4 प्लस को प्लस वाले को कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 1, 5, प्लस का मतलब चला गया, तो चला गया है वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो कितने बनाएंगे उसके पास, 4, एक चला गया है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर दिया। हाइड्रोजन दिया,
इसके बॉन्ड हुए चार, चार का मतलब sp3। शेप है इसका टेट्राहेड्रल। पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ है, बट शेप में चेंज हुआ है पिरामिडल टू टेट्राहेड्रल। बट हमारा एम क्या है, दोनों में चेंज बताना है, तो उसको बोलेंगे सो सेट हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम आपको आंसर में चूज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। थर्ड, CH3 डॉट फ्री रेडिकल, ये डॉट है, ये डॉट में अभी उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ था sp2। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में है। C2H6 का मतलब दो मिलके जुड़ गए। C2H6 का स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हैं, दैट इज इथेन। इथेन के केस में दो कार्बन है, दोनों को मिला के ऐड नहीं करें, किसी भी एक का निकाल लेते हैं। इस कार्बन ने बनाए हैं चार बॉन्ड, चार वजह की वजह से sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। पहले था sp2, अब बन गया है टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हुआ है और शेप में भी चेंज हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा करेक्ट। CH4 है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ भी sp3 है, तो दो दो कार्बन होंगे तो किसी एक कार्बन के हिसाब से उसका शेप निकाल देंगे, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, टेट्राहेड्रल था, अभी भी टेट्राहेड्रल है नहीं। H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप है लोन पेयर इज नॉट काउंटिंग इन द शेप, शेप में उसको नहीं देखना है, ऐसे मान लो कि वो है ही नहीं, क्या बच रहा है OHH, शेप इज बेंट, एक हाइड्रोजन आ गया। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 और एक लोन पेयर है, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन आया, सॉरी सम करने पे सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1, 4, दैट मीन्स sp3। शेप हो जाएगा 3 के हिसाब से पिरामिडल और 2 के हिसाब से था बेंट। शेप में चेंज हुआ है बट हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दोनों है तो दोनों के हिसाब से अगर लिखा होता आइदर तो किसी एक में चेंज में कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे बोथ लिख दिया है तो नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, 1, 3 के करस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन है सी, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब बताते चलें कमेंट बॉक्स में क्या भी कितने आंसर सही आते जा रहे हैं। नंबर 4, ये पार्ट है पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक का है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। पार्ट ए पार्ट में वाटर डाला है, वाटर डालने को हमने सेपरेट पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, वाटर एडिशन। सबका नाम भी बोलती जा रही हूँ और सबका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके अगर कोई पार्ट वीक है तो कंप्लीट कर सकते हैं। Mg2C पानी, तो जब भी इस टाइप का होगा मेटल के साथ कार्बन, तो पहले कैसे निकालेंगे, मेटल एक मैग्नीशियम पे होता है 2+ चार्ज, 2 मैग्नीशियम में टोटल कितना हो गया 4+, तो 3 कार्बन पे कितना चार्ज आया 4-, बिकॉज ओवरऑल इज न्यूट्रल। मैग्नीशियम पे वी नो दैट इज +2, 2 मैग्नीशियम है तो 4, करस्पॉन्डिंग C3 पे आ गया -3, तो यानी सॉरी -4, C3 पे है 4-। माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है प्लस C3H4। C3H4 पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक है, ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रखना है कि सारे कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, बन गया, इसका नाम है प्रोपाइल। सिमिलरली Al4C3, ये आप ट्राई करें पॉज करके, इसका पार्ट Al4C3 प्लस H2O, एक एल्युमिनियम पे 3+4, 4 है तो 12, प्लस 12, 3 कार्बन पे कितना चार्ज आया -12, C3 पे -12, अगर एक कार्बन पे निकालो तो कितना आएगा -4। अब बोलेंगे कि यहाँ पे 3 कार्बन पे 4 था, हमने एक का क्यों नहीं निकाला, एक का निकालेंगे, एक कार्बन पे आ रहा है फ्रैक्शन में 4/3, यानी -4/3, फ्रैक्शन में नहीं होगा तो कंबाइन करके ही लेंगे, C3 को C3 ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 कार्बन पे है 12, एक कार्बन पे आ रहा है 4, तो यानी फ्रैक्शन नहीं है तो हम इंडिविजुअल ही इसको लेंगे, तो इंडिविजुअल क्या हुआ, एक कार्बन पे है 4-, माइनस होता है तो क्या देना है हाइड्रोजन CH4, तो CH4 मतलब स्ट्रक्चर इज मीथेन। तो फर्स्ट वाले में एक प्रोडक्ट बना प्रोपाइन का, दूसरा बना मीथेन, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, हमें बताना था इसमें
पी और क्यू जो तो प्रोडक्ट बन रहे हैं दोनों किस में सेम होंगे, पानी को छोड़ के, पानी को प्रोडक्ट में काउंट नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसके हिसाब से आंसर देने हैं। ए पार्ट डन। बी पार्ट, बी पार्ट में है हीटिंग, NH4NO3 को हीट करना है, NH4 to CR2O7 को हीट करना है। तो हीट वाला पार्ट हम यहीं पे एज इट इज़ लिख लेते हैं, स्क्रॉल करके नीचे क्या ले जाएँ। हीटिंग में क्या सीखा है, हीटिंग में सीखा है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है पहले उसको निकालना है। इस केस में 3 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन 3 है, तो 3 के हिसाब से कितना पानी बनेगा। पानी के लिए उसको 6 हाइड्रोजन चाहिए, पर 6 नहीं है, 4 हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2H2O। हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन 2। अब क्या बच गया यहाँ पे, बचा हमारे पास 2 नाइट्रोजन N2 और एक ओ NH4 2 CR2O7। इसको करने से पहले पर ये वाला ट्राई करें, NH4NO2, इसको अगर हीट करेंगे तो सेम पहले निकालेंगे वाटर। सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे 4 है, तो 4 हाइड्रोजन आ गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ रहा, तो टोटल 2 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या बच गया यहाँ पे, ओनली N2। इसमें N2 गैस रिलीज हुई, इसमें N2 हुआ, पर क्वेश्चन में दे रखा है NH4 whole twice CR2O7। तो सबसे पहले इसको सिंपल वे में कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके N2H8 CR2O7। इसको जब हीट करेंगे 8 हाइड्रोजन है, तो कितना पानी मैक्सिमम निकाल सकते हैं इसके अंदर से, 4, 4H2O निकला, तो क्या बच गया, N2, 2 क्रोमियम जो बचते जा रहे लिखते चलते हैं, N2 प्लस CR2, ऑक्सीजन 7 थे, 7 में 4 यूज़ हो गए, 3 CR2O3, ये इसका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में बोला है जो गैस NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में निकला था N2O, अमोनियम डाइक्रोमेट में निकला है N2 गैस, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखते हैं सी में है जिंक और डाइल्यूट HNO3, Ag प्लस डाइल्यूट HNO3, दोनों ही डाइल्यूट है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो ये वाला पार्ट है पी ब्लॉक में नाइट्रिक एसिड वाले टॉपिक में। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, 2 टाइप का एसिड होता है, डाइल्यूट HNO3 और एक और लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये याद रखना है कंसनट्रेटेड वाले में जब भी रिएक्शन करेगा तो इसके केस में रिलीज होगी NO2 गैस, रिएक्शन करेगा कोई भी मेटल तो NO2 गैस। डाइल्यूट वाले केस में, डाइल्यूट में ये मैटर करेगा, 2 टाइप की गैस रिलीज होगी इसमें, NO और दूसरा N2O। दोबारा कंसनट्रेटेड HNO3 जब मेटल के साथ रिएक्शन किया तो कोई भी मेटल हो सकता है, जिंक, कॉपर, गोल्ड, तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, NO2। NO2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन, पर लेकिन डाइल्यूट आते ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का गैस रिलीज होगा। NO2 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे इसका +4, यहाँ पे कितना है, कम है, +1 और +2 लेस वाले डाइल्यूट के केस में रिलीज होंगे नाइट्रोजन के गैस। कॉपर के साथ रिएक्शन किया, कॉपर या सिल्वर जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं तब उसके केस में रिलीज होगा डाइल्यूट में NO और जिंक के केस में N2O। इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कॉपर प्लस HNO3, एक बार लिया है कंसनट्रेटेड, एक बार लिया है डाइल्यूट, ट्राई करें इसका पॉज करके। अब दूसरा ले रहे हैं जिंक, जिंक प्लस कंसनट्रेटेड HNO3, यहाँ पे लिखा यू आर द बेस्ट, कभी नहीं भूलना है HNO3। इसका रिएक्शन कॉपर के साथ जब कंसनट्रेटेड है तो गैस रिलीज कौन सी होगी कंसनट्रेटेड वाले के केस में, NO2, और दूसरा एक वाटर तो रिलीज होगा ही क्योंकि एसिड है, और कॉपर नाइट्रेट बनेगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रेट बैलेंस कर लेंगे। डाइल्यूट, डाइल्यूट के केस में भी क्या बोला है, NO, वाटर होगा ही, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। मेन प्रोडक्ट सेम बनेंगे पर गैस अलग होगा, कंसनट्रेट में NO2, डाइल्यूट में NO, कंसनट्रेटेड है NO2, मैटर नहीं करता, डाइल्यूट में मैटर करता है, जिंक में N2O, बाकी सब के साथ NO, यहाँ पे क्या लेंगे N2O, दोनों में वाटर और जिंक है तो जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 बैलेंस करने के लिए 2-2 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गैस
दोनों डाइल्यूट दिया था, एक में एनओ है एक में एनटूओ है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हुआ उसमें। अब लेते हैं डी ऑप्शन, फोर अमोनियम क्लोराइड, इसको डाला है एक्वस NaOH, ये बेस है। इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, आयन एक्सचेंज, NH4 पे है प्लस साइन, Cl पे है माइनस, Na प्लस OH माइनस, प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो क्या बना NaCl एंड NH4OH। जो NH4OH है बहुत ही अनस्टेबल होगा, पानी निकलेगा और NH3 गैस रिलीज़ होगी। दो टाइप का अनस्टेबल पड़ा है, एक NH4OH, दूसरा जल्दी से बताएं H2CO3 भी बहुत ही अनस्टेबल है, जहाँ भी ये बनेगा तो H2O एंड CO2 बना के हटा देंगे। NH4OH एंड H2CO3, ये दो चीज़ याद रखनी है। तो यानी इसमें कौन सी गैस रिलीज़ हुई है, पानी को छोड़ के बताना है, सॉरी ये नहीं था NH3। और दूसरा जो Q के लिए रिएक्शन है H2 प्लस N2, ये कौन सा है, हैबर प्रोसेस है, कैटलिस्ट नहीं दिया है, थोड़ा मानना पड़ेगा कैटलिस्ट है, दैट इज़ NH3 हैबर प्रोसेस, इसमें भी NH3 इसमें भी NH3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डेल्टा एच का एक ग्राफ है रिएक्शन प्रोग्रेस, ये है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, लेते हैं फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। इस ग्राफ में ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करें, प्रोडक्ट अगर ऊपर है तो यानी रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। ग्राफ में बनाए, यहाँ पे जीरो लिया, 5, 10, 15, 20, रिएक्टेंट के पास 5 एनर्जी है, इसके पास 10, प्रोडक्ट को ज़्यादा चाहिए तो हमें देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा एच क्या हुआ, पॉजिटिव। सप्लाई मतलब एंडोथर्मिक, एंटर होगा हीट, एंडोथर्मिक। रिएक्टेंट से लेके ऊपर तक हाइट तक इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो चेंज है दैट इज ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा एच। अब क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा एच ऑफ द करस्पॉन्डिंग एनर्जी ग्राफ, डेल्टा एच पूछा है, वाई है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, वो नहीं बताना है, तो ये क्या है, ये चेंज, इस चेंज का यहाँ पे छोटा सा क्या लिखा हुआ, एक्स, तो आंसर इज ए, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे हुए 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पॉज करें, एनालाइज करें कि कहाँ पे क्या क्या गलती हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।